गुड इवनिंग पेरेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। वेलकम टू माय चैनल इजी लर्न विद डेजी। आज मैं आपसे बात करूंगी प्री नर्सरी के सिलेबस के बारे में, जो बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है। सबसे पहले बात करूंगी इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या सिखाया जाता है प्री नर्सरी क्लास को? सबसे पहले स्ट्रोक्स सिखाए जाते हैं, मीन्स ट्रेसिंग एंड राइटिंग करना सिखाया जाता है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व सिखाए जाते हैं, लेफ्ट राइट अपर लोअर सभी कर्व उनको अच्छे से सिखा दिए जाते हैं, ताजो उनको नंबर्स और लेटर्स लिखने में कुछ परेशानी ना हो। और उसके बाद लेटर्स सिखाए जाते हैं ए टू जेड, ओरल रीडिंग सिखाई जाती है ए टू जेड, और फोनिक साउंड भी सिखाई जाती हैं। रिकॉग्नाइज लेटर्स ए टू जेड विद मैनी मेथड्स, बहुत से मेथड के जरिए ए से जेड तक लेटर्स सिखा दिए जाते हैं। जैसे कि आप सिखा सकते हैं उनको ऐसे, जे ब्लॉक्स के द्वारा ए बी सी डी, बहुत अच्छे से सीख जाते हैं बच्चे इससे। जो और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे आप बैलून वगैरह बनाकर उसमें बहुत से लेटर्स लिख दो और बच्चे को सर्कल करने को दो, इससे भी बच्चे बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज करना सीख जाते हैं। और राइटिंग लेटर्स, लेटर राइट करवाए जाते हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं करवाए जाते, सबसे पहले जो बिल्कुल ईजी होते हैं वो लेटर राइट करने को दिए जाते हैं बच्चों को, जैसे कि एल टी एच आई एफ ई, ऐसे सबसे पहले जे राइट करवाए जाते हैं, जिसमें के स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन होती हैं। और उसके बाद ट्रेसिंग लेटर्स ए टू जेड, जिसमें डॉट लगे हुए हो वो बच्चों को राइट करवाए जाते हैं ए से जेड तक। ये था इंग्लिश का सिलेबस। और इसके बाद बात करूँगी मैथ के सिलेबस की। मैथ में प्री नर्सरी क्लास को सिखाया जाता है 1 से 10 तक नंबर्स, रिकॉग्नाइज नंबर्स, मतलब इसके जरिए जैसे 1, 2, 3 ऐसे बच्चे इजीली सीख सकते हैं इन ब्लॉक्स के जरिए। और ट्रेसिंग करवाई जाती है, मतलब डॉटेड लाइंस होती हैं उसके ऊपर ऊपर बच्चों ने ट्रेस करना होता है। और राइटिंग में सिखाया जाता है सबसे पहले 0, 1, 4, 7, 10 ऐसे स्टार्टिंग से सिखाया जाता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन, कुछ भी ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं उनको, जैसे कुछ ब्लॉक्स दिए जाते हैं कलर के जरिए, उनको अलग अलग करने को कहा जाता है। बिग स्मॉल सर्कल, मतलब कौन से अक्षर बिग हैं कौन से स्मॉल हैं, उन पे सर्कल लगाने को कहा जाता है। सेम ऑब्जेक्ट मैचिंग, कुछ ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं जो कि 2-2 होते हैं और उनको मैच करना होता है, एक निकाल कर दिया जाता है कि इसका और निकालो आप उसके साथ मैच करो ऐसे, या कुछ कार्ड्स दिए जाते हैं कि इसके सिमिलर ही आप उनको जोड़ो। और उसके बाद बात करूँगी जीके की। जीके में सिखाया जाता है वेजिटेबल्स नेम, पिक्चर के थ्रू उनको लर्न करवाया जाता है कि जे कौन सी वेजिटेबल है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कलर्स, शेप्स, ट्रांसपोर्ट, इनके बारे में उनको बताया जाता है। और वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये सभी लर्न करवाया जाता है प्री नर्सरी क्लास में। जनरल कन्वर्सेशन, इसमें बच्चों को कुछ मैजिक वर्ड सिखाए जाते हैं, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, प्लीज़, और उन इसके साथ साथ उनको गुड मॉर्निंग, बाय बाय, हैव ए गुड डे, ऐसे भी वर्ड सिखा दिए जाते हैं। और जिसमें होता है माई सेल्फ, जिसमें उसका नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, हाउ ओल्ड आर यू, इन विच क्लास डू यू रीड, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर फादर, ऐसे वाले क्वेश्चन उनको लर्न करवाए जाते हैं। और राइम और स्टोरी भी होती हैं इस क्लास में, जिसमें स्टोरी होती है थ्रस्टी क्रो पिक्स के थ्रू उनको सुनाई जाती है, ताजो उनको अच्छे से लर्न हो जाए। और राइम होती हैं टैडी वियर, टैडी वियर, टैडी वियर टर्न अराउंड, जे वाली, और ट्विंकल 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 लिटिल स्टार,
और जोनी 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 जस पापा, जे वाली राइम्स होती हैं। और आर्ट एंड क्राफ्ट में होती हैं कलरिंग एक्टिविटी होती है जिसमें थंब के द्वारा पेंटिंग करवाई जाती है, वाटर कलर यूज़ करते हैं और पेपर क्राफ्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, कॉटन वॉल पेस्टिंग, मतलब कुछ भी पिक्चर उनको दी जाती है कलर करने को और उसके बाद उस पर कॉटन की बॉल बनाकर पेस्ट करने को कहा जाता है, और ड्राइंग दी जाती है जिसमें कलर फिल करके उनको बटन पेस्ट करने होते हैं ग्लू के साथ, और फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है तो सॉन्ग लगाया जाता है, उनसे डांस करवाया जाता है। बस थैंक यू। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।